Good evening, everybody. Today's topic is cloud computing service model. अनूप कह रहे हैं मैं तो बढ़िया हूं, हम भी बढ़िया हैं, मैं भी बढ़िया, तू भी बढ़िया, हम सभी हैं मिलके बढ़िया। सत श्री अकाल बेटा, सत श्री अकाल। चलिए हम एक दो मिनट और देते हैं सभी को जुड़ने का, देन वी विल स्टार्ट विद आवर टॉपिक क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल। जब तक मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, वी आर मीटिंग ऑन इंडियाज लीडिंग बिजनेस प्लेटफॉर्म एजुकेशन प्लेटफॉर्म copykitab.com। दिस सेशन इज जॉइंटली होस्टेड बाय मी बत्रा सर एंड कॉपी किताब। दिस इज सेवंथ वेबिनार इन द सीरीज टुडे। We have started this webinar from 15th June. Good evening, Mujib Sheikh. Anup कह रहे हैं मैंने वैसे अनअकैडमी पे, बेटा यहां पे अपन अपने प्लेटफॉर्म की बात करेंगे। यहां पे अपन कॉपी किताब की बात करेंगे। आप सभी प्लेटफॉर्म पे हमसे जुड़े रहे बेटा, और अपना चैनल भी है बत्रा सर, यहां हम बात करेंगे कॉपी किताब की। तो जैसा मैंने बताया आपको, दिस इज सेवंथ इन द सीरीज, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बता देता हूं। वी स्टार्टेड आवर फर्स्ट वेबिनार ऑन 15th जून। द टॉपिक वाज, क्या था टॉपिक पता है क्या आप सब लोगों को? टॉपिक था व्हाई स्टूडेंट डू नॉट पास सो ऑफन इन द सीए एग्जाम। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे हमारा पहला वेबिनार था 15 को, दैट वाज अ ग्रेट सक्सेस। टाइमिंग वाज 7 to 8, 7, 7:30। आधे घंटे के लिए हमने डिस्कस किया था कैसे क्रैक किया जाए सीए एग्जाम को, और उस सेमिनार से आपने सीखा किस तरीके से बेटा एटलीस्ट 2 से 4 नंबर का फर्क किया जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। कॉपी किताब पे बेटा पूरा कोर्स अवेलेबल है हमारा। आप हमारे बत्रा सर ऐप को डाउनलोड कर दें, मैं भाग्यश्री को कहूंगा वो लिंक इसमें डाल दें, भाग्यश्री हमारा लिंक डाल दें। बत्रा सर ऐप पे पूरा कोर्स अवेलेबल है बेटा, आपको पूरा कोर्स अवेलेबल है बत्रा सर ऐप पे। भाग्यश्री जरा लिंक शेयर कर दें इनको, बच्चों को बत्रा सर ऐप का। मैं टूर भी करवाऊंगा लेटर ऑन इन दिस क्लास। हमारा पूरा कोर्स अवेलेबल है बत्रा सर ऐप पे। देयर यू विल फाइंड ओल्ड कोर्स ITSM लेक्चर्स, you will find EISSM new lectures over there for November 2020 exam, you will find test papers over there, you will find our course books over there. So here is link for you on copy kitab platform. We have a Batra sir app over there in the Google Play Store, you can download there. You will find our classes, individual lectures, test papers, free digital content over there, and our books also you can purchase from over there. We are collaborating with India's leading digital platform copykitab.com with 8 million active customers on the board, and you will find our lectures in CA category dear. So you can download from the app store. Aur aaj जैसा कि कॉपी किताब ने आपके लिए अरेंज किया, 2 और लेक्चर्स थे मेरे से पहले, और आप मिल रहे हैं मुझसे आज के थर्ड सेशन में। इफ यू आर कंटिन्यूइंग फ्रॉम आर कॉपी किताब प्लेटफॉर्म लेक्चर्स, इट इज ए लीडिंग एजुकेशन कंपनी वर्किंग विद द मोटिव ऑफ मेकिंग एजुकेशन डिजिटली टू रीच ईच ऑफ द स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया पैन इंडिया एंड प्रोवाइड देम बुक्स इन अफोर्डेबल प्राइस एंड इन इजीली एक्सेसिबल मैनर। और आप चाहें तो हमारी वेबसाइट www.copykitab.com पे जाके इसे देख सकते हैं। हम वहां पे सारे प्रकार के कोर्सेज रख रखे हैं, फ्रॉम इंजीनियरिंग टू कॉमर्स एजुकेशन CA CS CMA। इसके अलावा कैट के बहुत सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे वहां पे, बुक्स मिल जाएंगी, और सब ई बुक से आप पढ़ सकते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। मैं अपनी बात करूं तो हमारे कॉमर्स की बुक्स वहां पे आपको मिलती है 100 to 200 रुपीज पे केवल,
प्रिंटेड बुक्स तो आपको पता है इस समय पेंडेमिक टाइम में हम डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट यू कैन फाइंड ई बुक्स ओवर देयर, यू कैन कनेक्ट ऑन टेलीग्राम चैनल एट copykitab.com एंड यू कैन कनेक्ट मी बत्रा सर. आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सो इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन अस एंड कॉपी किताब टू डिलीवर यू डिफरेंट डिजिटल कंटेंट्स. हम आपको हर मीडिया पे मिल जाएंगे, सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे. तो ये पहला लेक्चर था बेटा हमारा 15th को, जहां हमने आपको बताया कैसे आप ये एग्जाम को पास कर सकते हैं आसानी से. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बेटा. 15 तारीख को हमारे पेपर से आपने एटलीस्ट 2 नंबर की चीजें सीखी. उसके बाद हमारा सेकेंड वेबिनार था बेटा 18 जून को, आप सब लोग आए थे उसमें. 18 जून को हमने डिस्कस किया था बेटा क्लाउड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को, और उस केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस को जो हमने आपको बताए थे, आपने एटलीस्ट 4 से 10 नंबर की चीज को कैसे स्कोर करना है वो सीखा बेटा हमसे. तो कम से कम 2 नंबर का डिफरेंस आप ला सकते हैं हमारे पहले वेबिनार से, 4 से 10 नंबर का डिफरेंस आप ला सकते हैं सेकंड वेबिनार से जो 18 को हुआ था हमारा. और इन सब के आपको लेक्चर्स अगर आपने ऑनलाइन उस समय लाइव नहीं देखा हो तो हमारे बत्रा सर के, प्रोफेसर जेएस बत्रा के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे. यू कैन कनेक्ट ओवर देयर विद अस. आपको ये सारे लेक्चर्स बेटा वहां ऑफलाइन मोड में देखने को मिल जाएंगे आसानी से, लाइव आप अगर नहीं जुड़े हैं तो. तो यहां आप 4 से 10 नंबर का डिफरेंस पाते हैं बेटा इसमें. थर्ड वेबिनार था बेटा हमारा ऑन 27th जून, जून में तीसरा वेबिनार 15, 18 और 27. उस दिन हमने डिस्कस किया था क्लाउड कंप्यूटिंग को, आज मैं रिवाइज भी कराऊंगा बेटा आपको. क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? इट इज बेसिकली एप्लीकेशन सर्विसेज एंड डेटा स्टोरेज ऑन द इंटरनेट, और आज उसी का एक्सटेंशन आज देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल को हम लोग. तो इस लेक्चर से बेटा कम से कम 4 नंबर के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपने सीखा. उसके बाद हम आए थे लेक्चर नंबर 4, वेबिनार नंबर 4 में. वेबिनार नंबर 4 हमारा बेटा हुआ था 30th जून को, जून के लास्ट डे पे. उस दिन बेटा हमने डिस्कस किया था स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को, और वो था हमारा 30th जून को शाम को 6 से 7 बजे थे. डिफरेंट टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन मेथड इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. और इस लेक्चर से भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से 4 नंबर के सवाल हर बार आते हैं, आपने सीखा है 4 नंबर के और सवालों को. उसके बाद हमारा 5th वेबिनार हुआ था बेटा जुलाई के महीने में, 4 जुलाई को. और 4 जुलाई का जो हमारा वेबिनार था बेटा वो हुआ था टॉपिक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के ऊपर शाम को 6 से 7 बजे. पोर्टफोलियो एनालिसिस मेथड हमने पढ़े थे 4 मेथड को, BCG, आइगर, एनसॉफ, ADL, NGE. कम से कम 4 नंबर के सवाल इससे भी पूछे जाते हैं एग्जाम में. उसके बाद हमारा हुआ था बेटा 6th वेबिनार 7 जुलाई को. 7 जुलाई को जो वेबिनार हुआ था उसमें बेटा हमने डिस्कस किया था फिर से EIS के क्लाउड कंप्यूटिंग एनवायरमेंट के बारे में, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, कम्युनिटी क्लाउड. आपने इस टॉपिक को भी अटेंड किया होगा हमारे. कम से कम 4 नंबर के सवाल इससे भी पूछे जाते हैं बेटा एग्जाम में. और आज अपन पहुंच गए हैं बेटा आज के टॉपिक पे, जिसमें हम पढ़ेंगे 7th वेबिनार में क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल को. आज हम मिल रहे हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल को पढ़ने के लिए फिर से कॉपी किताब के इस वेबिनार में, जॉइंटली होस्टेड बाय बत्रा सर एंड copykitab.com. तो ये हमारा आज का एंडेवर है जिसमें हम लोग आपके साथ में डिलीवर करेंगे 7th वेबिनार को बेटा. दिस 7th वेबिनार इज ऑल अबाउट किसके बारे में बेटा? ये वेबिनार है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल के बारे में. तो 7th मॉडल में आप देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल को हमारे साथ मिलकर. तो आज के इस वेबिनार में हम लोग बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स को. तो टोटल देखे बेटा हमने आपको पहला वेबिनार 15th को बताया हाउ टू क्रैक द एग्जामिनेशन, 2 नंबर के सवाल आप आसानी से अटेंड कर पाएंगे उसकी मदद से. उसके बाद बात करूं मैं अगर फर्स्ट वेबिनार के बाद, तो 2 मार्क्स आपके आ जाएंगे उस वेबिनार से. और उसके बाद में हमने बताया था आपको सेकेंड वेबिनार में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन 4 to 10 मार्क्स का एटलीस्ट आप अटेंड कर सकते हैं वहां से. तो 4 से 10 मार्क्स का मतलब हो गया बेटा मिनिमम 2 मार्क्स, 4 मार्क्स भी मान लो तो 2+4 = 6 मार्क्स. उसके बाद नेक्स्ट वेबिनार में बेटा हमने पढ़ाया था आपको क्लाउड कंप्यूटिंग, 4 नंबर उससे आ जाएंगे तो ये हो गया 10 मार्क्स. फिर हमने आपको स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के 2 और टॉपिक कमिंग 2 वेबिनार में बताए थे, 4+4 मतलब 18 मार्क्स. उसके बाद हम फिर से लौट आए थे क्लाउड कंप्यूटिंग पे. लास्ट में हमने आपको पढ़ाए थे क्लाउड कंप्यूटिंग के एनवायरमेंट, 4 मार्क्स वहां से आते हैं 22. और आज का जो हमारा वेबिनार है बेटा इससे भी 4 नंबर के सवाल शॉर्ट आते हैं.
तो हो गए बेटा 26 मार्क्स के क्वेश्चन आपके लिए, 26 मार्क्स के क्वेश्चन बेटा हो चुके हैं आपके लिए। तो 26 मार्क्स के क्वेश्चंस के साथ में आपकी तैयारी हो चुकी है कॉपी किताब प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ। तो आओ कुछ अच्छा करते हैं, कॉपी किताब के प्लेटफॉर्म पे जुड़ते हैं और आओ आज का टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल्स। चार प्रकार के मॉडल डिस्कस होने जा रहे हैं आज, चार नंबर के सवाल इससे भी आएंगे। तो जैसे मैंने बता दिया, फर्स्ट वेबिनार से 2 मार्क्स, सेकंड वेबिनार से आपको मिलेंगे 4 to 10 मार्क्स, थर्ड वेबिनार से 4, फोर से 4, नेक्स्ट से 4, फिर से 4, और आज फिर मिलेंगे आपको 4। सो इट कम्स आउट टू बी 2 + 4 6 + 4 10 + 4 14 + 4 18 + 4 22 + 4 26 मार्क के क्वेश्चन आपके आज कवरअप हो जाएंगे ड्यू टू कॉपी किताब प्लेटफॉर्म। तो बेटा एक बात ध्यान रखें, इस पेंडेमिक टाइम में जो आपकी मदद करता है आपको उसको नहीं भूलना चाहिए। सो दिस सेशन इज जॉइंटली हॉस्टेड बाय कॉपी किताब एंड माई सेल्फ बत्रा सर। 26 नंबर के सवालों को एग्जाम में जो शॉर्ट शॉर्ट आने जा रहे हैं अब तक हम 7th वेबिनार में आपके साथ कर चुके हैं। नेक्स्ट वीक हम 2 और वेबिनार लेके आ रहे हैं आपके सामने, अभी हम टाइम और डेट डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। मैंने एक छोटा सा फीडबैक लिया था, दिलीप कह रहे हैं आई हैव डाउनलोडेड द ऐप इन माई वन ऑफ द मोबाइल। वेरी गुड दिलीप, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, आई एम वेरी हैप्पी। दिलीप हैज सॉल्व हिज प्रॉब्लम, ही वॉज नॉट हैविंग टू एबल टू डाउनलोड हिज मोबाइल ऐप इन वन ऑफ द मोबाइल्स, सो नाउ ही इज केपेबल ऑफ डूइंग दैट, सो ही कैन एक्सेस आर लेक्चर्स आर टेस्ट सीरीज। सम ऑफ द टेस्ट सीरीज आर फ्री ओवर देयर, कुछ हमारे कंटेंट फ्री पड़े हैं, कुछ प्राइज्ड हैं, आप दोनों को अवेल कर सकते हैं। तो जैसा बेटा मैं कह रहा था, 26 मार्क्स के क्वेश्चन आज आपके पूरे हो जाएंगे। तो इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए कॉपी किताब जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को जो लेके आए हैं बत्रा सर आपके लिए, ताकि आपके साथ हम अपना नॉलेज शेयर कर सके, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग अदर्स। तो बेटा इस पेंडेमिक टाइम में आपको भूलना नहीं चाहिए कॉपी किताब की सर्विसेज को, जिसने आपको बत्रा सर की क्लासेस अवेलेबल कराई डायरेक्ट टू होम, आपके घर तक, ताकि आप घर बैठ के ओल्ड कोर्स के न्यू कोर्स के बच्चे सबके लिए कॉमन है बेटा, ये जितना टॉपिक हम पढ़ रहे हैं श्रावणी के लिए, विधि के लिए और हर्षवर्धन जैसे बच्चों के लिए बड़ा हेल्पफुल है, और न्यू जो कोर्स के बच्चे हैं अनूप और बाकी, इन सब के लिए भी हेल्पफुल है। दिस 26 मार्क्स इज बोथ एप्लीकेबल टू सी ए इंटर ASSM कोर्स एज वेल एज CIPCC ITSM कोर्स, दोनों के लिए काम का है बेटा, दोनों के काम का है 26 नंबर के सवाल। तो आओ कुछ शुरू करते हैं हम लोग कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल को। क्या आप रिवीजन चाहेंगे हमसे या हम शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं, डू यू वॉन्ट रिवीजन, और रिवीजन लिखो या लिखो आगे स्टार्ट करें आगे, फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बताओ रिवीजन और स्टार्ट आगे। पूनम कह रही है रिवीजन होना चाहिए, हर्षवर्धन कह रहे हैं रिवीजन होना चाहिए, अनूप कह रहे हैं मेरा तो फर्स्ट लेक्चर है तो स्टार्ट होना चाहिए, मुजीब शेख कह रहे हैं रिवीजन होना चाहिए, दिलीप कह रहे हैं रिवीजन होना चाहिए। अनूप अगर रिवीजन करेंगे तो बेटा आपको भी मदद मिलेगी, भले ही आपका फर्स्ट लेक्चर हो लेकिन चूंकि ये टॉपिक पिछले टॉपिक से रिलेटेड है तो रिवीजन हो जाएगा, तो आपका भी भला हो जाएगा, जिसमें सबका भला उसमें अनूप का भी भला। स्टार्ट द टॉपिक सर, एट लास्ट वी हैव रिवीजन, चलो ऐसा कर लेते हैं मेजोरिटी विंस तो हम रिवीजन करेंगे। चलिए तो पहले ऐसा करता हूं मैं टॉपिक पढ़ा देता हूं और फिर कंप्लीट रिवीजन ले लूंगा ताकि पूरे 26 नंबर का हो जाए। चलिए शुरू करते हैं हम क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल। एज यू ऑल नो क्लाउड कंप्यूटिंग मीन्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक एप्लीकेशन डेटा स्टोरेज एंड नेटवर्क सर्विसेज ऑन डिमांड ऑन यूज ऑन द बिग सर्वर्स। जैसे आप जीमेल को एक्सेस करते हैं, दिस इज एन क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारे बत्रा सर ऐप को डाउनलोड करते हैं जिसका लिंक भाग्यश्री ने आपको अवेलेबल कराया आर टेक्निकल हेड, तो आपको ये मिलता है किस तरीके से बेटा क्लाउड पे। अगर आप गूगल कंप्यूट इंजन का यूज करते हैं और उसके प्रोसेसर का यूज करते हुए सर्विसेज प्रोसेसिंग की करवाते हैं तो बेटा आप यूज कर रहे हैं क्लाउड। अगर आप अपना डेटा स्टोर करते हैं गूगल ड्राइव पे वन ड्राइव पे तो बेटा आप यूज कर रहे हैं क्लाउड सर्विसेज को। तो उस तरीके के क्लाउड सर्विसेज को बेटा हम चार प्रकार से प्राप्त करते हैं, वो चार प्रकार कौन से बेटा देखिए डायग्राम में तीन बता रखे हैं, चौथा मैं और बताऊंगा। सबसे पहला होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ठीक है ना, आस इसको कहते हैं आस IaaS।
सेकंड होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जिसको कहते हैं हम पास PaaS, और थर्ड होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जिसको हम कहते हैं सास। लड़कियां इसको सास न समझें, शादी होने के बाद होती आप सबकी सास, वो सास नहीं है, ये है टेक्नोलॉजी की सास, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। और इसके ऊपर एक और होता है, उसको कहते हैं अदर्स एज ए सर्विस, ओस, OaaS। तो चार तरीके के देखने वाले हैं बेटा मॉडल, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एंड अदर्स एज ए सर्विस। चार प्रकार की चीजें देखेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल में। अब बात आती है ये है क्या, तो आओ सबसे पहले मैं समझा देता हूं ये है क्या। हम में से कोई भी व्यक्ति किस तरीके से चीजों को यूज करता है, उस तरीके से बेटा हम डिफाइन करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल को। हाउ क्लाउड सर्विसेज आर अवेलेबल टू यूजर इज द डेफिनेशन ऑफ क्लाउड सर्विस मॉडल। तो लिखे बेटा इसमें हाउ क्लाउड सर्विसेज आर अवेलेबल टू यूजर, हाउ क्लाउड सर्विसेज आर अवेलेबल टू यूजर इज नोन एज क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल। क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल का मतलब क्या बेटा, इट इज हाउ क्लाउड सर्विसेज आर अवेल्ड और अवेलेबल टू द यूजर। आप कैसे यूज करते हैं, दे आर अवेलेबल इन फोर कैटेगरीज। आओ मैं पहले समझा देता हूं आपको, फिर पढ़ेंगे हम लोग टॉपिक को और आपको बताएंगे कीवर्ड, फिर कराएंगे मेमोराइज, फिर कराएंगे रिवाइज। इस तरीके से आपके चार नंबर का सवाल आज भी पूरा हो जाएगा। इस तरीके से बेटा आप 26 मार्क्स के क्वेश्चन को आज की क्लास फिनिश होने के बाद अटेंड कर पाएंगे। अनूप आप खास तौर से देखें बेटा, आपकी पहली क्लास है, बाकी सब लोग रेगुलर लर्नर हैं हमारे इस क्लास के। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का मतलब क्या होता है, सपोज करें मुझे एक ऐसा डेटा प्रोसेस कराना है जिसको अगर मैं अपने पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप पे लगा देता हूं तो उसको प्रोसेस होने में एक साल का समय लग सकता है। अगर इतना बड़ा डेटा है कि उसको प्रोसेस होने में एक साल का या एक महीने का ही समय लगता है, तो बताओ क्या आप करना पसंद करोगे एक महीने तक लगातार मशीन पर उसकी प्रोसेसिंग, या आप चाहोगे उसको एक ऐसे सर्वर पे शिफ्ट कर दिया जाए जो मेरे डेटा डालते ही कुछ आवर्स में उसे प्रोसेस करके मुझे उपलब्ध करा दे। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ, एक महीने तक आप अपने सिस्टम में ही काम करेंगे या आप एक ऐसी सर्विस को यूज करना चाहेंगे जो कुछ आवर्स में आपके डेटा को प्रोसेस कर दे और उसके लिए आप पे करना पसंद करेंगे। जल्दी से मुझे लिख के बताएं कौन सा ऑप्शन चाहेंगे, एक महीने तक या कुछ आवर्स तक। अनूप कह रहे हैं एफिशिएंसी तो कुछ आवर्स में, एक साल नहीं चाहिए मुझे। बाकी कह रहे हैं सर्विस को यूज करेंगे, हर्षवर्धन कह रहे हैं सर्विस को यूज करेंगे। बताओ बेटा क्या करना चाहेंगे, जल्दी से सब लोग बता दो मुझे, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो, सारी कम कर, जल्दी से बता दो सभी लोग क्या करना चाहेंगे, बाकी तो जवाब ही नहीं दे रहे हैं। अरे भाई चैट बॉक्स में लिख के बताओ, कुछ समझ में भी आ रहा है कि नहीं। गौरव कह रहे हैं यूज द सर्विस, मुजीब कह रहे हैं, मुजीब शेख कह रहे हैं हम सर्विस को यूज करेंगे। बाकी कहां है, सो गए क्या, जल्दी से लिख के बताओ फटाफट, जितने लोग आज लर्नर हैं इसमें सब लोग लिख के बताओ ताकि मुझे पता चले हाँ मैं बात कर रहा हूं लाइव लर्नर्स के साथ। गायत्री कह रहे हैं यूज द सर्विस, पूनम कह रहे हैं सर्विस यूज करेंगे, बाकी भी फटाफट देख के बताओ। बहुत सारे लर्नर दिख रहे हैं मुझे आज, अनु, भाग्यश्री, दिलीप, मुझे रितिका, शौर्या, पूनम, हैरिस, अरिंदम दत्ता, प्रवीण, ठीक है बहुत सारे यूजर दिखाई दे रहे बेटा, तो सभी लोग लिख के मुझे बताओ जल्दी से। इसके अलावा भी और बहुत सारे लोग हैं, श्रावणी, स्नेहा, पूजा, गायत्री, हर्षवर्धन, गौरव मालविया, जल्दी से मुझे लिख के बताओ बेटा। सब कह रहे हैं वी विल यूज द सर्विस, इसका मतलब है आप सबको क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल की जरूरत पड़ेगी और उस सर्विस मॉडल का नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस आस, और हम यूज करेंगे बेटा इसके लिए गूगल, गूगल कंप्यूट इंजन का नाम सबको याद रहेगा क्या, गूगल कंप्यूट इंजन। किसका यूज करेंगे बेटा हम लोग, गूगल कंप्यूट इंजन, गूगल कंप्यूट इंजन, GCE, गूगल कंप्यूट इंजन का यूज करेंगे और हम अपना डेटा इंटरनेट के माध्यम से गूगल कंप्यूट इंजन को दे देंगे और उसको कहेंगे प्रोसेस करके वापस रिजल्ट दे दे ताकि मेरे यहां एक महीने का प्रोसेस होने से बच जाए और आपके यहां कुछ आवर में हो जाए और पर आवर मेरे से आप पैसे ले लेना।
इसको हम क्या नाम देंगे बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस, कि मुझे एक बहुत बड़ा अपने घर पर कंप्यूटर का सर्वर नहीं लगाना पड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉस्ट नहीं खर्च करनी पड़ी। बात आ गई क्या सबको समझ में? जरा चैट बॉक्स में लिख के बताएं, यस सर यस सर यस सर यस सर, जल्दी से लिख के बताएं सभी लोग चैट बॉक्स में, क्या आप सबको समझ में आया मेरी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस का मतलब क्या? सभी लोग लिख के बता रहे हैं इसका मतलब सबको समझ में आ गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आप सब लाइव लर्नर इसी तरीके से जुड़े रहेंगे तो पढ़ाने में भी मजा आएगा बेटा मुझे। फटाफट से चैट बॉक्स में जवाब दे दिया करो जब मैं पूछूं। लाइव रहेंगे तो मुझे भी लाइव रहने में मजा आएगा, आप सो जाएंगे तो मैं भी सो जाऊंगा फिर। तो सभी लोगों ने लिखा है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस समझ में आई। चलिए अब मैं दूसरी बात करता हूं। मेरी एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है 4GL टेक्नोलॉजी, मैं एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, मैं रियल टाइम बात कर रहा हूं। मुझे माइक्रोसॉफ्ट की कुछ लैंग्वेजेस चाहिए होती है, जैसे सी सी प्लस प्लस वगैरह, है ना। मैं चाहता हूं उनमें प्रोग्रामिंग कर ली जाए। अब अगर उन प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म को मैं यूज करना चाहता हूं तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं उस लाइसेंस सॉफ्टवेयर को खरीद के अपने मशीन में इंस्टॉल कर लूं, या अगर मेरा ये रेगुलर काम नहीं है तो मुझे जब तक के लिए जरूरत पड़ती है मैं माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे चला जाता हूं और उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को जो कि एमएस ऑफिस जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सूट में आया करती है उनको पर आर बेसिस पे यूज कर लूं अपनी प्रोग्रामिंग के लिए। अगर मेरा यूज लगातार है, मेरा यूज लगातार है और मैं उसकी कॉस्ट पे कर सकता हूं तब तो कर लूंगा डाउनलोड। लेकिन अगर उसकी कॉस्ट कुछ लाख और करोड़ रुपयों में है और मैं उतना पे नहीं करना चाहता तो मुझे क्या सर्विस लेनी चाहिए या मुझे लाखों करोड़ों रुपए के लिए लोन लेना चाहिए? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताएंगे सभी लोग, क्या मैं लोन लूं या मैं लूं सर्विस माइक्रोसॉफ्ट से? जल्दी से चैट बॉक्स में सभी लोग लिख के बताएं, व्हाट शुड आई डू एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, व्हाट शुड आई यूज। पूनम कह रही है आपको सर्विस लेनी चाहिए, श्रावणी कह रही है सर्विस लेनी चाहिए, प्रवीण कह रहे हैं सर्विस लेनी चाहिए, बाकी लोगों का क्या कहना है जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताएं मुझे, व्हाट अदर्स टू से। बाकी लोग भी जल्दी लिख के बताएं, भी जल्दी से मुझे लिख के बताएं। हर्षवर्धन कह रहे हैं सर्विस लेनी चाहिए, व्हाट अदर्स टू से। 18-20 लोग बैठे हमारे आज के शो में, वेलकम टू आवर शो इन द इवनिंग सेशन, इवनिंग विद बत्रा सर ऑन कॉपी किताब प्लेटफॉर्म। जल्दी से बाकी लोग लिख के बताएं, केवल 2-3 लोग ही बोल रहे हैं भाई, बाकी लोग सो गए क्या? शौर्य कह रहे हैं सर्विस लेंगे, बाकी भी बोले भाई फटाफट से। स्नेहा, गौरी जोशी, हर्षित भाईती बता नहीं रहे भाई, आप लोग चुपचाप बैठे हैं, फटाफट से बताएं। अनूप कह रहे हैं सर्विस लेंगे, वेरी गुड बेटा, सर्विस लेनी चाहिए आपको। तो सर्विस लेनी चाहिए तो कौन सी सर्विस लेंगे? हम लेंगे बेटा माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस, हम लेंगे माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस फॉर देयर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, फॉर देयर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। मैं उन्हें पर आर बेसिस पे कर दूंगा और एक साथ अपने सारे डेवलपर्स को यूज करने का मौका दूंगा। इस तरीके से मैं लगने वाले अपने लाखों करोड़ रुपयों को बचा लूंगा, क्योंकि मैं लोगों से पैसा कमाऊंगा तो पे कर सकता हूं, मैं कमाऊंगा ही नहीं तो पे कैसे करूंगा। तो मेरे हाथ में आएगा एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ऑर्डर, मुझे मालूम है उसमें एक्स अमाउंट मुझे मिल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इन सारी सुविधाओं को पे पर यूज बेसिस पे ले लूंगा माइक्रोसॉफ्ट से। इस समय में बेटा कौन सा यूज करूंगा मैं, इस समय कौन सा यूज करूंगा मैं, इस समय कौन सा यूज करूंगा प्रोग्रामिंग के लिए, इसको कहूंगा मैं माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर टूल यूज करूंगा बेटा मैं, ठीक है। इसी तरीके का एक सॉफ्टवेयर टूल और होता है, उसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एजूर। क्या कहते हैं बेटा? माइक्रोसॉफ्ट एजूर। क्या कहते हैं बेटा? माइक्रोसॉफ्ट एजूर। सॉफ्टवेयर टूल का नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एजूर। अब आ जाते हैं बेटा तीसरी की तरफ। मुझे वर्ड में लेटर लिखने होते हैं, एक्सेल में मुझे शीट बनानी होती है और मुझे आपके साथ उनको शेयर भी करना पड़ता है। मेरा है ऑफिस जोधपुर में, मैं आई एम टेकिंग क्लासेस फ्रॉम जोधपुर। हमारा कॉपी किताब का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। इस समय हमारी टेक्निकल टीम अपने अपने घरों से पेंडेमिक टाइम में काम कर रही है, कोई छत्तीसगढ़ बैठा है, कोई दिल्ली बैठा है, कोई गुड़गांव बैठा है, वो सब लोग आज इस टीम में जुड़ के मुझे टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं और हम सब लोग आपस में जुड़े हुए हैं एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से, है ना। उस सॉफ्टवेयर से हम कनेक्ट हो रहे हैं जिसका नाम है जूम। क्या नाम है बेटा इसका? जूम। तो बताओ हम एक सॉफ्टवेयर की सुविधा का उपयोग ले रहे हैं, ये क्या कहलाएगा बेटा? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। क्या नाम है इसका बेटा? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस।
ना? और इसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट का भी यूज कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं इसके लिए। तो बेटा हम कौन सी सुविधा का उपयोग करेंगे? हम करेंगे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये है सास। किसकी सास? मेरी और आपकी सास। कौन सी सास? रिलेशनशिप में, ब्लड रिलेशनशिप वाली सास नहीं, मेरे वाइफ की मदर नहीं, है ना? और कोई शादीशुदा है तो उसके वाइफ या उसके हस्बैंड की वाइफ, उसकी मदर नहीं। हम यहाँ बात कर रहे हैं बेटा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सास की बात। तो हमने बेटा तीन पढ़ लिए। कौन कौन से? इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मतलब गूगल कंप्यूट इंजन, उस पर हम अपना कंप्यूटेशन का काम डाके कुछ आवर्स में सुविधा ले लेंगे। अगर मैं एक डेवलपर हूँ और मुझे डेवलपिंग के लिए कुछ प्रोग्रामिंग टूल्स चाहिए, तो मैं खरीदने की बजाय, लोन से खरीदने की बजाय, मैं चला जाता हूँ माइक्रोसॉफ्ट के पास, अजूर के पास, और उनके प्रोग्रामिंग टूल्स का उपयोग करता हूँ, पर आवर बेसिस पे करता हूँ। तो मैं यूज कर रहा हूँ पास, PaaS। और अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को यूज करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट टीम को यूज करता हूँ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट डॉक्यूमेंट के लिए, ऑफिस, इसका मालूम है आपको, एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 भी आता है, जिसको हम एक साथ मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे लगा के यूज भी कर सकते हैं। तो बेसिकली हम यूज करते हैं बेटा कौन सा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। मैं बता दूं बेटा, मेरे जो लेक्चर्स होते हैं ना, उनके बारे में मैं जानकारी अपनी टेक्निकल टीम को, स्पेशली भाग्यश्री को दिया करता हूँ। उसके लिए मैं यूज करता हूँ एक गूगल डॉक शीट, हम दोनों के बीच में वो शेयर्ड होती है ना? बताऊँ क्या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का, एक जीता जाता उदाहरण बता दूँ क्या बेटा? मैं चलो एक जीता जागता उदाहरण आपको बता देता हूँ। हम आपस में शेयर करते हैं बेटा गूगल डॉक्यूमेंट की एक शीट को भाग्यश्री के साथ में। चलो मैं आपके सामने रिवील कर देता हूँ कैसे जुड़े हुए हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस से। देखे जरा कैसे जुड़े हैं, आओ देखे जरा हम कैसे जुड़े हुए हैं बेटा आपस में। ये रहा, देख रहे हैं क्या आप सब लोग? स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, मैं क्लिक करने जा रहा हूं बेटा। तो ये खुल गया आपके सामने, देखें जरा मेरे और भाग्यश्री के बीच में एक लाइव सेशन किस तरीके से रखा जाता है। डिटेल आ रही है आपके सामने, दिखाई दे रहा है कि आप सबको बेटा, देख लो आप सबके सामने मैंने सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का एक जीता जागता उदाहरण रख दिया है। बताओ ऐसे कोई पढ़ाता है क्या? बताओ ऐसे कोई रियल टाइम एग्जाम्पल से पढ़ाता है क्या आपको इंडस्ट्री में? आपने बहुत सारे टीचर से पढ़ा होगा, लेकिन मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा बेटा, हम सारे लेते हैं क्लास में रियल टाइम एग्जाम्पल। आपने अब तक हमारे सारे सेशन अटेंड किए हैं तो आपको पता होगा हम रियल टाइम एग्जाम्पल से पढ़ाते हैं। तो मेरे और भाग्यश्री के बीच में ये शीट एक्सचेंज होती है। देखो बेटा इसमें मैंने सारे टॉपिक लिख रखे हैं, आज का भी टॉपिक लिख रखा है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल। आप देख रहे होंगे बेटा इसको, यहां पर दिख रहा है क्या सबको? मैंने हाईलाइट कर दिया है ना? ये सारी चीजें मेरे और उसके बीच में, भाग्यश्री के बीच में रहती हैं, कॉपी किताब टीम के साथ में। हम यूज कर रहे हैं बेटा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का जीता जागता उदाहरण। बात आ गई होगी सबको समझ में? आ गई ना बेटा सबको समझ में? जल्दी से चैट बॉक्स में सब लोग लिख के बताएं क्या इस रियल टाइम एग्जाम्पल से आपके दिमाग की बत्ती खुली या नहीं, आपको समझ में आया या नहीं, फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बताएं। अनूप कह रहे हैं विच इज मोर स्केलेबल, यस हांजी, पोल खोल दी अपनी, हाँ बेटा मैंने आपको बता दिया रियल टाइम एग्जांपल से कैसे हम आपस में जुड़े हुए हैं। हम आपस में जुड़ के एक दूसरे का शेयर करते हैं। पुराना तरीका क्या होता था, मैं एक एक्सेल शीट पे बनाऊंगा, फिर मैं उसको मेल करूंगा, फिर वो अपने सिस्टम में अपडेट करेगी। इसके बजाय हम दोनों के बीच में सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस गूगल डॉक, गूगल शीट्स एक्सचेंज हो जाती है, वो अपडेट करती है, मुझे पता चल जाता है, मैं अपडेट करता हूँ, उन्हें पता चल जाता है। इस तरीके से हम आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए बेटा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस से। अनूप कह रहे हैं विच इज मोर स्केलेबल, ऑल ऑफ देम आर स्केलेबल बेटा। क्लाउड की हर सर्विस की करेक्टरिस्टिक ही है ऑल ऑफ देम आर स्केलेबल। गूगल का कंप्यूट इंजन भी स्केलेबल है। अगर मैंने गूगल कंप्यूट इंजन को कहा इसको 1 घंटे में प्रोसेस करके दो, कंप्यूटेशनल पावर को बढ़ा देगा, पैसा ले लेगा मेरे से। तो
तो ये भी स्केलेबल है। अगर मैं कहता हूं प्रोग्रामिंग टूल मेरे 50 लोगों को देना, उसके लिए वो मुझसे पैसा लेते हैं, कल को मैं कहता हूं मेरी टीम को बढ़ा के 100 लोगों को कर दो, तो स्केलेबल हो जाता है, उसका पैसा वो मेरे से मांग लेते हैं। कल सपोज करो धंधा मंदा हो जाता है, मैं कहता हूं 20 लोगों को ही देना है, स्केल डाउन कर देते हैं, इट इज स्टिल स्केलेबल। और तीसरा है ये माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर एज ए टीम, जूम पे अगर हम लोग जुड़े हैं 50 लोग तो हमें सुविधा मिलेगी, उसका पैसा पे करने का पड़ेगा 50 लोगों का। अगर जूम पे जुड़ जाते हैं हम 100 से ज्यादा लोग तो हमें जूम को उसके हिसाब से पे करना पड़ेगा। सो ऑल दीज टाइप ऑफ सर्विसेज आर स्केलेबल, हाईली स्केलेबल, सभी स्केलेबल होते हैं बेटा, सारे सर्विस मॉडल स्केलेबल है। क्लाउड की तो पहली खासियत कैरेक्टरिस्टिक में यही है, इट इज हाईली स्केलेबल, ये होती है स्केलेबल। बात आई क्या सबको समझ में? चलो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूं ताकि सबको समझ में आ सके। मुझे बताओ सब लोग, एक कंप्यूटर में किस किस तरीके की चीजें होती है? कंप्यूटर में होता है सीपीयू, सबको पता है सीपीयू का मतलब होता है प्रोसेसर, होता है कि नहीं होता है? इसके अंदर होते हैं हमारे पास में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब होता है हमारे पास सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसके बाद हम रखते हैं इसके अंदर टैली के लिए डेटा, टैली का डेटा रहा करता है इसके अंदर, कंपनी में हम काम किया करते हैं तो टैली का रहता है इसके अंदर डेटा। तो बेसिकली एक कंप्यूटर में तीन तरीके की चीजें होती है, प्रोसेसर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है, एक डेटा होता है। कितने तरीके के रिसोर्सेज होते हैं? अनूप कह रहे हैं सर बात तो समझ में आई आपकी, बट कोई डिफरेंस तो होगा तीनों में? बिल्कुल, मैं बता रहा हूं बेटा, मेरे अब इस नए एग्जाम्पल को समझ लो, आपकी मदद से सब लोगों को समझ में आ जाएगा। दिलीप कह रहे हैं सर ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू आई एम नॉट हियरिंग क्लियरली इवन दो आई यूज लैन कनेक्शन ऑल्सो आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग। तो बेटा आपके टेक्निकल इश्यू को सॉल्व करें आप, वरना इस लेक्चर को आप हमारे प्रोफेसर जेएस बत्रा या बत्रा सर के यूट्यूब चैनल पे आज शाम को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, पर आप जुड़े रहे हैं जितना भी आप समझ पा रहे हैं। तो बेटा अनूप और बाकी सब लोगों के लिए मैं बता रहा था, एक कंप्यूटर में जो आपके और मेरे पास होता है उसमें एक तो होता है प्रोसेसर मतलब सीपीयू, एक होता है सॉफ्टवेयर जैसे विंडोज या होता है मेरे पास में एमएस ऑफिस, और तीसरा होता है मेरे पास में टैली का डेटा या किसी और एप्लीकेशन का डेटा। तीन चीजें होती है कि नहीं? सभी लोग मुझे बताएं क्या ये तीन चीजें आप सबके कंप्यूटर में होती है कि नहीं? प्रोसेसर होता है, सॉफ्टवेयर होता है और डेटा होता है। सभी लोग लिख के बताएं मुझे क्या ये तीन चीजें सभी के कंप्यूटर में होती है या नहीं। अनूप आप भी मुझे बताएं, विंडोज तो ओएस हुआ, टैली सॉफ्टवेयर हुआ, विंडोज भी सॉफ्टवेयर ही है, विंडोज भी सॉफ्टवेयर ही है, टैली भी सॉफ्टवेयर ही है, दोनों सॉफ्टवेयर में आते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर की दो कैटेगरीज होती हैं, कौन कौन सी दो कैटेगरीज होती है? एक होती है ऑपरेटिंग सिस्टम और एक होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम, ठीक है। आप अनूप मुझे बताएं न्यू कोर्स के हैं ओल्ड कोर्स के हैं? बेटा श्रावणी को पता है ये, हर्षवर्धन को पता है, एक होता है ओएस जैसे विंडोज, एक होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसे टैली, ठीक है ना। सभी एप्लीकेशन प्रोग्राम किसी न किसी ओएस पे चलते हैं। अनूप न्यू कोर्स में है तो बेटा आप पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो हमारे साथ जुड़े रहे, हम आपको पढ़ाएंगे बेटा चैप्टर 3 में इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड आईटी फंडामेंटल, वहां मिलता है। बता दूं क्या बेटा कहां मिलेगा आपको ये? तीसरे चैप्टर में मिलता है। चलो बता ही देता हूं आपके सामने ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कहां पढ़ोगे बेटा आप इसको। ये है बेटा चैप्टर नंबर 3 आपके सामने, कहां पढ़ने वाले हो आप इसको मैं बता देता हूं आपको। हमारे साथ जुड़े रहोगे तो सब चीजें मिलेगी। आप तो पंजाबी हो बेटा, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, मर्जी आए जिना आईएएस ईआईएसएसएम ते आईटीएसएम दे विच स्कोर करोगे। सो हेयर आर योर टॉपिक्स जो आप हमारे साथ पढ़ोगे बेटा। ये रहा सॉफ्टवेयर आपके सामने ईआईएस के नए कोर्स में। सॉफ्टवेयर होते हैं दो प्रकार के, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे टैली। तो नए सारे बच्चों को मिलेगा चैप्टर नंबर 3 में, और जो पुराने बच्चे यहाँ पे बैठे हैं क्लास में उनको मिलेगा बेटा सेकंड चैप्टर में, और उसका नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड आईटी फंडामेंटल्स, उनको मिलेगा चैप्टर नंबर 2 में। श्रावणी हर्षवर्धन आप सबको मिलेगा चैप्टर नंबर 2 में। हर्षवर्धन कह रहे मैं न्यू कोर्स का हूं, ओहो मैं समझ रहा था ओल्ड कोर्स के, कोई बात नहीं बेटा आपको चैप्टर 3 में हम पढ़ाएंगे। तो देख लिया सबने कहां मिल रहा है बेटा? अनूप आपने भी देख लिया और सबने देख लिया कहां मिलेगा चैप्टर 3 में, ओल्ड कोर्स में चैप्टर 2 में है, वहां उसका नाम है इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड आईटी फंडामेंटल्स। हम बात कर रहे हैं बेटा एक कंप्यूटर में होते हैं तीन रिसोर्स, प्रोसेसर सॉफ्टवेयर डेटा।
अनूप कह रहे हैं ओके हो गया क्लियर, विंडोज ओएस है, टैली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, पर हैं दोनों ही सॉफ्टवेयर। क्या हैं दोनों बेटा? सॉफ्टवेयर इज अ बिगर कैटेगरी, सॉफ्टवेयर इज अ बिगर कैटेगरी। मुझे बताओ, सी ए फाउंडेशन, सी ए इंटर एंड सी ए फाइनल, तीनों किसके हैं? सीए के हैं, तीनों सीए के कोर्स है। उसी तरीके से ओएस और टेली क्या है? सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज हैं। आगे क्या बात समझ में सबको? हैं तो तीनों सही, बिल्कुल इसी तरीके से विंडोज और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी क्या है? सॉफ्टवेयर ही तो है, प्रोग्राम ही तो है। आगे अनूप समझ में आपको? ये भी प्रोग्राम ही है, विंडोज भी प्रोग्राम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टैली भी प्रोग्राम है, दोनों प्रोग्राम के ही टाइप हैं। जैसे सीए इंटर, सीए फाउंडेशन, सीए फाइनल, तीनों सीए के ही प्रकार हैं, टाइप हैं, उसी तरीके से ये भी उसके प्रकार हैं। अब समझ में आ गया अनूप को? हाँ जी हाँ जी, हुण मैनू लगता है तुहानू सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। अनूप बेटा, मजा आ रहा है या नहीं? मेरे को तो मजा आ रहा है, आप बताएं मुझे, आपको भी मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, और बाकी सबको भी मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि सारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। आहो, मजा आ रहा है अनूप को भी। हर्षवर्धन कह रहे हैं मजा आ रहा है कसम से। तो श्रावणी कह रही है कंसेप्ट क्लियर हो गया, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने बताया आपको एक कंप्यूटर में होते हैं तीन चीजें, प्रोसेसर, सॉफ्टवेयर, डेटा। अब मुझे बताओ, आपके कंप्यूटर में ये सब होते हैं लिमिटेड टाइप से। आपके और मेरे पास जो घर पे कंप्यूटर होते हैं उसमें प्रोसेसर होता है इंटेल i3, i5, i7, i9, है ना? ज्यादा से ज्यादा 10th जनरेशन का ले लो आप, उसकी अपनी एक स्पीड की लिमिट है। क्या आप सुपर कंप्यूटर के बराबर हो क्या? बिल्कुल नहीं। आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं घर में, एमएस ऑफिस है ना, विंडोज का एक वर्जन, लेकिन क्या वो एक साथ 1000 लोगों को सर्विसेज दे सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। वो दे सकता है केवल माइक्रोसॉफ्ट, है ना, अपने दे सकता है एजूर पे। तीसरा है डेटा, आपके मशीन में हार्ड डिस्क होती है 1 टेराबाइट की, लेकिन मैं डेटा रखना चाहता हूं 1000s of terabyte की, तो क्या आप इतनी बड़ी और इतनी सारी हार्ड डिस्क खरीदेंगे, या आप गूगल ड्राइव पे स्पेसेस को रखने की कोशिश करेंगे और उसके लिए पैसा पे करेंगे? तो बेटा समझ लो, हम अपने घरों पे जो रिसोर्सेज यूज करते हैं कंप्यूटर में, उनमें प्रोसेसर भी लिमिटेड होता है, सॉफ्टवेयर भी लिमिटेड होते हैं, और डेटा भी लिमिटेड मात्रा में स्टोर होता है। जब हम इन सर्विसेज को लार्ज क्वांटिटी में लेना चाहते हैं फॉर आर ऑर्गेनाइजेशन, फॉर आर यूजर्स, तो फिर हम जाते हैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों की तरफ से। थोड़ा सा तो लिफ्ट करा दे, मेरे को भी लिफ्ट करा दे, और हम जाते हैं क्लाउड सर्विसेज की तरफ। और ये क्लाउड सर्विसेज देने वाले हैं 4 प्रकार के लोग। कौन है बेटा? इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाले लोग। आओ, हम आपको प्रोसेसिंग सुविधाएं देते हैं, बहुत बड़ी सारी सुविधाएं जिनमें आप अपने काम को थोड़े से समय में कर पाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। फिर कुछ लोग आते हैं कहते हैं आओ अपना सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म हम देते हैं, जिस पर आप प्रोग्रामिंग कर लो, आप डेवलपमेंट कर लो, आपको खरीदने की जरूरत नहीं, आप हमें लाइसेंस के लिए पर मंथ पर आर पे करना। ऐसे लोग कहते हैं हम दे रहे हैं आपको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जैसे नेटफ्लिक्स वाले लोग यूज करते हैं ना नेटफ्लिक्स अपन। और तीसरा होता है बेटा, तीसरे प्रकार के लोग जो देते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, मतलब आपको दे रहे हैं हम लोग किस प्रकार की चीजें, कि आप एमएस ऑफिस का, गूगल डॉक का प्रयोग कर लो। और ये होते हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के लोग। तो कौन से हो गए तीन लोग बेटा? IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, उसके ऊपर कौन? प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस पास, उसके ऊपर कौन? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, और उसके ऊपर एक और आते हैं जिनको हम कहते हैं अदर्स एज ए सर्विस। क्या मुझे बताओ, अब सबको कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या आप सबको कंसेप्ट समझ में आया क्या? फटाफट से लिख के बताओ, यस और नो, यस और नो, यस और नो, जल्दी से लिख के बताएं सभी लोग। अनूप कह रहे हैं हाँ मुझे समझ में आ गया, प्रवीण कह रहे समझ में आ गया, हर्षवर्धन कह रहे समझ में आ गया, बाकी लोग सो गए क्या? श्रावणी कह रही समझ में आ गया, बाकी कहाँ हैं? अरे भाई बाकी कहाँ हैं? देर आर सो मैनी, बाकी कहाँ हैं? बाकी क्यों नहीं बोल रहे? फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे, जरा समझ में आ गया क्या? तो फिर हम बड़े इससे आगे। शौर्य कह रहे हैं यस सर, पूनम कह रही है यस सर, श्रावणी कह रही है यस सर, हर्षवर्धन कह रही है यस सर, अनूप कह रहे हैं आहा, ये बताओ ऐसे एग्जाम में कैसे लिखेंगे, बिकॉज मेरा समझा एग्जामिनर को नहीं समझ में आता। आप बेटा आज पहली बार क्लास में आए हैं लगता, इसलिए आपको पता नहीं हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है। हम सबसे पहले समझाते हैं, आपने समझ लिया है। मुजीब शेख कह रहे हैं यस सर, बट ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम आई मिस सम कंसेप्ट। कोई बात नहीं बेटा, रिवीजन होगा जब समझ में आ जाएगा।
अब कैसे लिखना है उस पे आने वाले हैं। हम पहले कंसेप्ट समझाते हैं, दिमाग में भेजे में बिठाते हैं, ESSM को आपके खून में उतारते हैं। हमारी क्लासेस के बाद कभी भी आप अपना ब्लड टेस्ट करवाइएगा, वो आएगा EISM पॉजिटिव। आपका ब्लड ग्रुप पहले क्या था, ए था, बी था, ओ था, ओ नेगेटिव था, ओ पॉजिटिव था, हमें उससे मतलब नहीं। हमारी क्लासेस के बाद आप सबका ब्लड ग्रुप हो जाएगा कौन सा, EISM पॉजिटिव या बत्रासर पॉजिटिव। करवा लेना जांच बेटा। अनूप आपका पहला लेक्चर है, ये जितने बच्चे बैठे हैं इन सबका खून का ब्लड टेस्ट करवा चुके हैं ये लोग, उसमें आया है EISM पॉजिटिव या आया है बत्रासर पॉजिटिव, और वो आया है कॉपी किताब की वजह से। दिलीप कुमार कह रहे हैं आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली बिकॉज ऑफ नेटवर्क इश्यू। कोई बात नहीं बेटा, आप हमारा लेक्चर हमारे चैनल पे देख लेना बत्रासर पे, ठीक है ना, उसको ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, वहां आपको मिल जाएगा। तो अनूप अब आपको बताएंगे हम कैसे लिखना है। चलिए चलते हैं कीवर्ड पर। तो ये रहा टॉपिक आपके सामने, चलिए कीवर्ड पे बात करते हैं कैसे पढ़ना है। हमारे सारे के सारे ये नोट्स जो हैं इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल पे बेस्ड हैं, तो आपको अपने साथ इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल लेके बैठना पड़ेगा जब हम पढ़ाते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल क्या है बेटा, हाउ क्लाउड सर्विसेज आर अवेलेबल टू द यूजर, चलिए बात करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ मॉडल दैट इनेबल द एंड यूजर टू एक्सेस द शेयर पूल ऑफ रिसोर्सेज सच एज कंप्यूटर, नेटवर्क, स्टोरेज, डेटाबेसेस एंड एप्लीकेशन ऑन डिमांड। तो पांच चीजें याद रखें अनूप, खास तौर से आपके लिए, बाकी सब लोगों को तो पता है बेटा हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है, पांच कीवर्ड है आपको, कंप्यूटर, नेटवर्क, स्टोरेज, डेटाबेसेस और एप्लीकेशन के पांच कीवर्ड याद रखने हैं। और सिक्स्थ ये सब मिलते हैं आपको ऑन डिमांड विदाउट द नीड टू बाय एंड ओन इट, ये है सातवां पॉइंट। तो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल की डेफिनेशन क्या है, इट इज द एक्सेसिंग ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज लाइक कंप्यूटर, नेटवर्क, स्टोरेज, डेटाबेसेस, एप्लीकेशन ऑन डिमांड विदाउट द नीड टू पे और ओन इट। इतना लिखने से आपको मिलेंगे पूरे नंबर। सो व्हाट आर द कीवर्ड बेटा, कीवर्ड है हेयर द एंड यूजर विल एक्सेस द शेयर्ड पूल ऑफ रिसोर्सेज सच एज कंप्यूटर, नेटवर्क, स्टोरेज, डेटाबेसेस, एप्लीकेशन ऑन डिमांड विदाउट द नीड टू बाय और ओन इट। क्या सबको समझ में आया, फटाफट से लिख के बताएं, खासतौर से अनूप को कह रहा हूं, बाकी तो सब बच्चे हमारे इस पैटर्न में ढल चुके हैं। अनूप बताओ क्या आपको ये कीवर्ड समझ में आए, इन सबको मैंने समझा दिया, अब आपको याद रखने हैं, इनको मेमोराइज करना है, बार बार रिवाइज करना है ताकि एग्जाम में इनको रिप्रोड्यूस कर सके। क्या कहेंगे बेटा कंप्यूटर सर्विस मॉडल को हम लोग, रटने क्यों पड़ेंगे, समझा दिया ना हमने, वाई रटिंग, पढ़ना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। बेसिकली इट इज द यूज ऑफ शेयर्ड पूल ऑफ रिसोर्सेज लाइक कंप्यूटर, मतलब प्रोसेसिंग की बात हो रही है, नेटवर्क इसका मतलब कनेक्शन कम्युनिकेशन की बात हो रही है, स्टोरेज मैंने बताया, हार्ड डिस्क की बात हो रही है, डेटाबेसिस बताया मैंने, एप्लीकेशन बताया, सब मिलती है आपको ऑन डिमांड जब आप मांगो, और इन सबको आपको खरीदने की आवश्यकता नहीं होती। वाई रटना, रटना है ही नहीं किसी को, समझना है। पहले आप सब्जेक्ट की फेमिलराइजेशन करें, फिर इसके कीवर्ड को टटोलें, फिर इसको हम मेमोराइज करें, फिर हम याद करें। रटना तो होता है बिना दिमाग के, हम बिना दिमाग के बात थोड़ी कर रहे हैं, अपन तो बात कर रहे हैं समझने की। हमें चीजें सुनी सुनी सी लगनी चाहिए, सुनी सुनी लग रही हैं, कभी सुना ही नहीं, ऐसा थोड़ी है, तो हम बात कर रहे हैं सुनी सुनी सी, इसलिए आपको समझना होगा। रटते तो वो है जो पढ़ाने से पहले आपको कहते हैं आओ मैं बता देता हूं हेडिंग सब हेडिंग क्या, आओ रट लेते हैं, है ना, ऐसे कई टीचर मिलेंगे आपको यूट्यूब पे भरे पड़े, बच्चे पास ही नहीं कर पाते उनसे। और मैं देख रहा हूं इस पेपर का रिजल्ट बहुत खराब आया करता है बिकॉज सब टीचर रटाने में लगे हुए हैं और बच्चे भी बिना सोचे समझे रट रहे हैं। हम यहां आपको कंसेप्ट समझाते हैं, रियल टाइम एग्जांपल से जोड़ते हैं, बताओ गूगल शीट का एग्जांपल मैंने दिया, यूट्यूब पे जाकर देखना एक भी टीचर आपको दे दे तो ऐसा एग्जांपल, तो बेटा हमारे यहां सब मिलेंगे आपको रियल टाइम एग्जांपल। रटने का मतलब होता है दिमाग बंद, दिमाग की बत्ती बंद। हम तो बेटा आपको खिलाते हैं ESSM का लेक्चर जिसमें दिमाग की बत्ती जल जाती है आपकी, और दिमाग की बत्ती जल जाती है तो आपको कंसेप्ट से चीज याद भी आ जाती है। हम आपके दिमाग में बना देंगे एक डिजिटल फ्रेम, हर दिन का एक पन्ना, एक वेबिनार का एक पन्ना, ताकि आपको याद रह जाए। अनूप अब कह रहे हैं ओके हां जी, तो इसी तरीके से बेटा आपको पढ़ना होगा हमारे साथ। दीज इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द क्लाउड इंक्लूड ऑन डिमांड, सेल्फ सर्विस अपने आप ले सकते हैं, ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस, रिसोर्स पूलिंग, रैपिड इलास्टिसिटी एंड मीटर्ड सर्विसेज, ये सब बेटा आपको रोजमर्रा की जिंदगी में नापी जाती हैं और फिर मिलती हैं आपको बेटा मीटर्ड सर्विसेज जिनके लिए आपको पे करना पड़ता है। तो ये सब सुविधाएं कैसी मिलती है, सर्विसेज ऑन डिमांड, और इन सर्विसेज ऑन डिमांड के कारण बेटा आपको जितनी देर के लिए उपयोग करते हैं उतनी देर के लिए पे करना पड़ता है।
ठीक है, आगे क्या बात है समझ में। रैपिड इलास्टिसिटी का मतलब होता है यू कैन इंक्रीज द सर्विस टू एट एनी लेवल, मतलब मुझे 50 यूजर की जगह 100 यूजर का दे दो, तुरंत दे देंगे, पैसा पे करो। आप कहते हैं 50 यूजर आए ही नहीं, दुकानदारी ठंडी चल रही है कोविड टाइम में, घटा के 20 कर लो, हम केवल 20 का पैसा लेंगे, 50 का पैसा नहीं लेंगे, आपका पैसा रिटर्न कर देंगे या जमा रख लेंगे। इसको कहते हैं रैपिड इलास्टिसिटी। बचपन में आप स्कूल जाते हुए निक्कर या पैंट पहनते थे ना, उसमें इलास्टिक लगा हुआ होता था, तो हमारी शेप और साइज बढ़ती थी तो भी वो निक्कर और पैंट फिट आ जाती थी, मतलब हम स्केल अप स्केल डाउन कर सकते हैं, घटा बढ़ा सकते हैं, इसको कहते हैं रैपिड इलास्टिसिटी, हाईली स्केलेबल। बिल्कुल ठीक, समझ में आ गया आपको। तो बेटा सर्विसेज मिलती है हमारे को तीन प्रकार के मॉडल पे, चौथा पढ़ाऊंगा मैं बाद में, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। बात आ गई क्या सबको समझ में? चलो बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस में कीवर्ड क्या है। IaaS, आस कहते हैं इसको, इज ए हार्डवेयर लेवल सर्विस, प्रोवाइड ए कंप्यूटिंग रिसोर्सेज सच एज प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी, स्टोरेज एंड नेटवर्क इन द कंप्यूटर। तो बेसिकली ये सर्विसेज कैसी है बेटा? हार्डवेयर लेवल की है। नाम याद रखना, क्या मिलता है आपको? हार्डवेयर, हार्डवेयर मतलब टेंजिबल इक्विपमेंट पार्ट। इसमें मिलती है आपको कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग पावर, इसमें मिलती है आपको मेमोरी रैम, इसमें मिलती है आपको कंप्यूटर की मेमोरी पावर, कंप्यूटर की, गूगल ड्राइव वाली नहीं, और इसमें मिलता है आपको नेटवर्क कंप्यूटर का, ताकि कंप्यूटर को एक्सेस कर सके। तो बेसिकली ये हार्डवेयर सर्विसेज हैं जो आपको देती है प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी और स्टोरेज और नेटवर्क। बात आगे क्या समझ में? एग्जाम्पल क्या है बेटा इसका? इसका एग्जाम्पल है अमेजन, एक और एग्जाम्पल आ रहा है अमेजन वेब सर्विसेज और गूगल कंप्यूट इंजन। मैंने कौन सा दिया था? मैंने कौन सा दिया था? मैंने कौन सा दिया था आप सबको? गूगल कंप्यूट इंजन। दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है? अमेजन वेब सर्विसेज। अगर आप याद रख सके तो अच्छी बात है, वरना आप मेरे ख्याल से आप सब लोग AWS को तो जानते हैं, नेटफ्लिक्स उसी पे मिला करता है हम सबको, है ना? तो AWS को हम जानते हैं, नेटफ्लिक्स उस पे आता है, और गूगल कंप्यूट इंजन मैंने बताया आपको। तो बेटा आपको समझ में आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में हार्डवेयर की सर्विस मिलती है। हार्डवेयर का मतलब क्या? प्रोसेसर, मेमोरी, इसके साथ साथ स्टोरेज और नेटवर्क जो इस कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है जिससे मुझे सुविधा लेनी है। ये एक पिरामिड का डायग्राम सबको याद रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस देने वाले प्रोवाइडर बहुत ज्यादा होते हैं, सर्विसेज बहुत बड़ी होती है, इसलिए इसका प्लेटो बड़ा होता है। इससे ऊपर आते हैं तो पिरामिड में प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मिलती है जिसके प्रोवाइडर कम होते हैं, और सबसे ऊपर होता है हमारा प्लेटो का टॉप, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जो और होते हैं कम। मैंने जो एग्जाम्पल दिया आपने लिख भी लिया होगा, इसका एग्जाम्पल है GCE, गूगल कंप्यूट इंजन और AWS। दूसरा एग्जाम्पल हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, होपफुली आपको समझ में आया होगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा इसकी? देखें जरा कैरेक्टरिस्टिक को IaaS की। सबसे पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक है? ऑलमोस्ट सबकी एक जैसी है। फर्स्ट, वेब एक्सेस टू रिसोर्सेज। क्या इन एक्सेस रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए US जाना पड़ता है क्या? फ्लाई करके टिकट लेके जाएंगे क्या हम लोग? अभी तो फ्लाइट भी नहीं है, तो हमें क्या टिकट लेके जाना पड़ता है कि इनको एक्सेस करने के लिए? या अपने घर पे बैठे बैठे इंटरनेट से जुड़ जाते हैं हम लोग, AWS से नेटफ्लिक्स को लेने के लिए या फिर गूगल कंप्यूट इंजन को लो तो हम जुड़ते हैं वेब सर्विसेज से, फिजिकली जाना नहीं पड़ता। सेकेंड होता है सेंट्रलाइज मैनेजमेंट। ये AWS और गूगल कंप्यूट इंजन वाले बैठे अमेरिका में है, लेकिन पूरे दुनिया भर को सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये सेंट्रली करते हैं चीजों को मैनेज। तीसरा होता है इसमें इलास्टिसिटी एंड डायनेमिक स्केलिंग। जब चाहे सुविधाओं को बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, इसको कहते हैं इलास्टिसिटी एंड डायनेमिक स्केलिंग, जो हर क्लाउड सर्विस की खासियत है, चाहे कोई भी ले लो आप। फोर्थ होता है शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, केवल आपके लिए थोड़ी है, आप जैसे बहुत सारे लोगों के लिए है, तो बहुत सारे लोगों के लिए मल्टी टीनेंसी कहते हैं इसको अपन, क्लाउड कंप्यूटिंग के टर्म में क्या कहते हैं बेटा इसको? मल्टी टीनेंसी। तो इसका मतलब ये रिसोर्सेज मिलते हैं शेयर्ड फॉर्म में, और इन सर्विसेज को किया जाता है मीटर। जैसे आपके घर पे बिजली का बिल, पानी का बिल आता है, उसमें मीटर लगा होता है कितनी बिजली का कंजम्पशन आपने किया, फिर हम आपसे पैसे लेते हैं, वैसे ही आपने पर कितने घंटे, पर आवर की रेट फिक्स होती है, कितने घंटे यूज किया, पर मिनट की रेट फिक्स होती है, कितने मिनट यूज किया, उसके हिसाब से हम आपसे बिल पे करते हैं, पे करवाते हैं। तो पांच तरीके की कैरेक्टरिस्टिक है बेटा। कौन सी पांच कैरेक्टरिस्टिक है जरा देखें? वेब एक्सेस होता है, इसके लिए जाना नहीं पड़ता, फिजिकली यहीं बैठे बैठे कर सकते हैं। इस पेंडेमिक टाइम में हम कॉपी किताब के साथ यही तो कर रहे हैं आपके साथ में, क्या ये संभव था? नहीं तो फिजिकली क्लास लेने आना पड़ता आपको। अनूप कहाँ रह रहे हैं? दिल्ली में, तो दिल्ली में क्लास लेने आना पड़ता मुझे, या पंजाब में, वहां लेने आना पड़ता। अनूप बताओ जरा कहाँ रहते हैं बेटा आप, और बाकी लोग भी जल्दी से मुझे बेटा लिख के बताओ कहाँ कहाँ रहते हो। अगर ये कॉपी किताब मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं देता तो क्या मैं आपको ऐसे पढ़ा सकता था क्या? जल्दी से सभी लोग अपने अपने सिटी का नाम बताएं चैट बॉक्स में, तो मैं इस एग्जाम्पल को तुरंत कोरिलेट कर देता हूं।
श्रावणी कह रही है आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा, प्रवीण कह रहे हैं जोधपुर मेरे शहर में, मुजीब कह रहे हैं मुंबई, काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हर्षवर्धन है, बेंगलोर से है शौर्या, अनूप अनेजा है जलालाबाद का, अगर आपको पता हो। हाँ बेटा जलालाबाद है 15 किलोमीटर से। प्रवीण कह रहे हैं मैं आपका ही स्टूडेंट हूँ मई अटेम्प्ट का। वेरी गुड बेटा, अच्छी बात है आप हमसे जुड़ गए हैं। मई में एग्जाम नहीं हुए, एग्जाम मर्ज हो चुका है, नवंबर में पास करवा देंगे हम आपको। 15 किलोमीटर पाकिस्तान से दूर रहते हैं आप, बॉर्डर एरिया पे रहते हैं जलालाबाद में, कोई दिक्कत नहीं बेटा। पाकिस्तान को भी हम संभाल लेंगे, चाइना को भी हम संभाल लेंगे, चिंता मत करें। चलिए तो हम बात कर रहे थे 5 सर्विसेज हैं, वेब एक्सेस टू रिसोर्सेज, ठीक है ना। दिलीप कह रहे हैं आई एम फ्रॉम बैंगलोर, तो देखो हम पूरे भारतवर्ष में जुड़े हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस कॉपी किताब प्लेटफॉर्म, ए नोबल विद ए नोबल कॉज, इस डिजिटल कंटेंट के हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म से जुड़ के हम दे रहे हैं अपनी सर्विसेज आप सब लोगों को थ्रू वेब, थ्रू इंटरनेट। दूसरा इसका काम होता है सेंट्रली मैनेज बैंगलोर से। तीसरा जब चाहे हम इसमें स्टूडेंट की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ये सब संभव है। आज दिन में 3 वेबिनार हुए हैं, क्या सभी में स्टूडेंट की मात्रा बराबर रही होगी क्या? कभी कम कभी ज्यादा है, तो ये सब मैनेज कर रही है हमारी कॉपी किताब डायनेमिक स्केलिंग, और है ये सब शेयर्ड रिसोर्सेज पे। हम सब लोग जूम पे सबको कर रहे हैं, तो जूम पे हम सबके क्लासेस एक साथ हो रही है, तो जूम पे समय पता नहीं कितनी क्लासेस हो रही होंगी। और ये सब है मीटर्ड सर्विसेज, पर आवर बेसिस पे हम पे करते हैं जूम को, और आपको देते हैं सर्विसेज फ्री, आपको देते हैं फ्री, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस की बात करते हैं, जिसको हम कहते हैं पास, आस पास आस। कौन कौन से हो गए भाई? 3 आस पास आस। पास क्या है? एबिलिटी टू डेवलप एंड डिप्लॉय एन एप्लीकेशन एंड द डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। इसका मतलब हम इसके ऊपर आपको दिया करते हैं प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म, ताकि आप अपना प्रोग्राम बना सकें। गूगल ऐप इंजन, गूगल ऐप स्टोर, आप जानते हैं ना हमारा जो ये गूगल का बत्रा सर ऐप है, वो कहाँ मिलेगा आपको? गूगल ऐप इंजन पे तो मिलेगा आपको, गूगल प्ले स्टोर पे मिलेगा, तो वो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस का एग्जांपल हो गया। दूसरा हो गया विंडो एज्यूर, विंडो एज्यूर पे सुविधा मिला करती है बेटा आपको, माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर भी कहते हैं हम इसको। यहाँ आपको मिलती है बेटा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क, डेटाबेसेस और टेस्टिंग टूल। आप प्रोग्राम बना लेंगे तो क्या सीधा यूजर क्या लगा देंगे गलत सलती, या पहले अपने आप को उसको टेस्ट करेंगे? तो टेस्टिंग के टूल आपको मिलते हैं यहाँ पे, डेटाबेसेस मिलते हैं यहाँ पे, एप्लीकेशन के फ्रेमवर्क मिलते हैं, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मिलती हैं। चार चीजें मिलती हैं, चार कीवर्ड बेटा आपके लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मिलेंगी, एप्लीकेशन फ्रेमवर्क मिलेगा, डेटाबेसेस मिलेंगे और टेस्टिंग के टूल मिलेंगे। सब किस पे मिलेंगे? गूगल ऐप इंजन पे और माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर या विंडोज अज्यूर पे मिलेंगे। तो उसके दो एग्जांपल कौन से थे? AWS और दूसरा था गूगल कंप्यूट इंजन। यहाँ पे है गूगल ऐप इंजन, कंफ्यूज मत होना, वो है कंप्यूटेशन के लिए, ये है ऐप के लिए, वो है कंप्यूटेशन के लिए, ये है ऐप के लिए। उसका नाम गूगल कंप्यूट इंजन, इसका नाम गूगल ऐप इंजन, उसका नाम था AWS Amazon वेब सर्विसेज, इसका नाम क्या बेटा? विंडोज एज्यूर कंप्यूट। बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से सभी को। चलिए तीसरे पे पढ़ते हैं, जिसका नाम है SaaS, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। Software as a service provide ability for the end user to access the application over the internet. It is hosted and managed by the service provider. जैसे मैंने बताया आपको Google Doc को हम use कर रहे थे, मैं और कॉपी किताब के प्लेटफॉर्म पे भाग्यश्री दोनों शेयर करते हैं, तो ये हम इंटरनेट के माध्यम से शेयर करते, बिना इंटरनेट के मैं यहाँ से अपडेट करूँ उसे नहीं दिखाई देगा। तो हमें दोनों को देखने के लिए चाहिए इंटरनेट की सुविधा, और हम Google Doc को बेटा यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसके अलावा इसका एग्जांपल भी यहां लिख रखा है, वन कैन मेक हिज और हर ओन वर्ड डॉक्यूमेंट इन गूगल डॉक ऑनलाइन, ही और शी कैन एडिट ए फोटो ओन द पिक्सलर आर। ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि फोटो को एडिट करने में काम आता है बेटा, तो हम यूज कर सकते हैं इसको सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। ये बात हुई SaaS की, तो हमने 3 प्लेटफॉर्म देख लिए बेटा, आस पास SaaS, IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, एग्जाम्पल गूगल कंप्यूट इंजन एंड AWS। उसके बाद हमने पढ़ा बेटा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, उसमें हमें मिलती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटाबेसेस, और साथ में मिलते हैं हमारे को टेस्टिंग टूल और एप्लीकेशन के फ्रेमवर्क। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? इसका एग्जाम्पल है हमारे पास में गूगल ऐप इंजन और विंडो अज्यूर या माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर। और तीसरा है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जिसमें हमें मिलता है अगेन माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल डॉक। तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दो एग्जाम्पल है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस के। होपफुली ये तीनों चीजें आपको समझ में आई होंगी, जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दो। तो मैं लास्ट टॉपिक पे आ गया हूं, अदर कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल के ऊपर। जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताओ आपको आस पास साथ समझ में आई या नहीं, आपके खून में उतरा या नहीं, आपका ब्लड टेस्ट करूं या नहीं।
श्रावणी कह रही है समझ में आ गया, यस सर, बाकी जल्दी से लिख के मुझे बताएं आपको समझ में आया या नहीं। पूनम कह रही है यस सर, जल्दी से जल्दी से जल्दी से लिख के बताएं भी सभी लोग। वेरी गुड, सभी लोगों ने लिख के बता दिया, दे हैव अंडरस्टूड वेल व्हाट इज दिस। अनूप का जवाब नहीं आया, अनूप क्या लिखते हैं आप जल्दी लिख के बताएं, क्या आपको तीनों समझ में आए कि नहीं, व्हाट इज आस, व्हाट इज पास, व्हाट इज सास, जल्दी से लिख के बताएं। अनूप आई एम वेटिंग, समझ आ गया, बट ये टेक्निकल जर्गन को याद करने का तरीका, कोई मेमोरी टेक्निक बताया ना बेटा मैंने आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस को आस कहते हैं, इसको पास कहते हैं, इसको सास कहते हैं। आस के पास सास है, लिखो, याद करो बेटा, लिखो बेटा, आस के पास सास है, हिंदी में लिख लो, आस के पास सास है, या ऐसे लिख लो, आस के पास सास है। ये हो गया आपका याद करने का तरीका, ले लो मेमोरी टेक्निक मुझसे, आस के पास सास है, दिस इज द मेमोरी टेक्निक फॉर रिमेम्बरिंग दिस, आस के पास सास है, याद हो गया सबको बेटा, ये लो मेमोरी टेक्निक, हाथों हाथ बना दी मैंने मेमोरी टेक्निक। हमारी क्लास में सारे एग्जांपल लाइव हैं, जैसे होता है ना बेटा एक लाइव किचन, वैसे हमारी क्लास है EISSM की लाइव किचन की तरह, तुरंत परोसा जाता है, आप डिमांड करो, द थिंग इज रेडी, द डिश इज रेडी। होपफुली सबको समझ में आ गया होगा। चलो फटाफट से चलते हैं अदर कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल पे। इसमें आता है सबसे पहले कम्युनिकेशन एज ए सर्विस, कास, इसमें आ जाता है कम्युनिकेशन एज ए सर्विस, ठीक है ना बेटा। तो हम देख रहे हैं कम्युनिकेशन एज ए सर्विस, मतलब अगर बेटा मैं आपको कम्युनिकेशन की सर्विसेज घर बैठे उपलब्ध कराऊं, जैसे आपको दे रहा है जियो, जैसे आपको दे रहा है एयरटेल, तो बेटा ये सर्विसेज कहलाएंगे कम्युनिकेशन एज ए सर्विसेज। क्या कहलाएंगे बेटा? कम्युनिकेशन एज ए सर्विसेज। और जब आप इनको लेते हो तो ये इलिमिनेट करती है लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट को, जैसे हमें मिलता है SMS सर्वर, जैसे हमें मिलता है VOIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सर्वर, तो ये सारी चीजें कहलाती है कम्युनिकेशन एज ए सर्विस में। नेक्स्ट है बेटा डेटा एज ए सर्विस। अगर मैं आपको डेटा प्रोवाइड कर लूं, ठीक है ना, कैसा डेटा? जैसे बेटा आपको पता होगा हम आप तक पहुंचे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका डेटा हमें मिला है, फिर चाहे फोन कॉल का डेटा मिला हो या हमारे को ईमेल का डेटा मिला हो, ऐसे मार्केट में सर्विस प्रोवाइडर बैठे हैं जो स्टूडेंट के कस्टमर्स के डेटा प्रोवाइड किया करते हैं, ऐसे लोग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो मुझे डेटा इकट्ठे में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम आपको पता होगा एक गूगल डॉक फॉर्म आपको दिया करते हैं जब आप हमारे सेमिनार को ज्वाइन करते हैं, उसमें आप कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं तो हमें ये डेटा मिल जाया करता है। तो बेसिकली कॉपी किताब मेरे लिए कौन है? डेटा प्रोवाइडर, क्योंकि मेरे जैसे टीचर को वो प्रोवाइड कर रहे हैं डेटा, तो मुझे डेटा देने वाले लोग कहलाते हैं डेटा सर्विस प्रोवाइडर, ताकि ऑन डिमांड मुझे डेटा प्रोवाइड कर सके। मैं इनसे पूछ सकता हूं, बताओ राजस्थान के कितने लोग हैं, एक चार्ट बना के मुझे दे दो, साउथ इंडिया से कितने लोग हैं, तो मुझे बता देंगे। तो ये दे आर माई डेटा सर्विस प्रोवाइडर्स। तीसरे होते हैं सिक्योरिटी एज ए सर्विस। ये इतना बड़ा नेटवर्क चलाने के लिए कोई ना कोई मुझे सिक्योरिटी ऑफिसर चाहिएगा, मुझे उसको पे करना पड़ेगा, और वो एक व्यक्ति पता नहीं मेरे नेटवर्क को संभाल पाएगा नहीं पाएगा, इसलिए मैंने अपने वेबसाइट, कौन सी मेरी वेबसाइट, www.batrasar.com, और हमारी दूसरी वेबसाइट है www.copykitab.com। तो बेटा इनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हमने दे रखी है किसी और को, और वो सर्विस प्रोवाइडर हमारे लिए सिक्योरिटी की सर्विसेज दे रहे हैं 24/7, हैकिंग की घटना नहीं होने देते, डेटा की प्राइवेसी और सीक्रेसी बनाए रखते हैं हमारे लिए। तो हम उनसे जो सुविधा ले रहे हैं वो कौन सी सुविधा है बेटा? सिक्योरिटी एज ए सर्विस। इट इज गिवन टू द एंड यूजर टू एक्सेस द सिक्योरिटी सर्विसेज। तो ये हैं सिक्योरिटी देने वाले लोग, जैसे बाउंसर्स होते हैं ना फिजिकली सिक्योरिटी करने के लिए, गार्ड करके आपको चलते हैं, उसी तरीके से सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर की, हमारे नेटवर्क की सुविधा को सिक्योर करने के लिए जो सुविधा देने वाले लोग हैं उनको कहते हैं हम सिक्योरिटी एज ए सर्विस। और फोर्थ है बेटा आइडेंटिटी एज ए सर्विस बनाने वाले लोग, इसको हम कहते हैं आईडास। क्या कहते हैं बेटा हम इसको? आईडास बनाने वाले लोग। अब बताओ बेटा अगर कोई व्यक्ति अननोन टीचर है, जैसे मैं तो पढ़ा रहा हूँ पिछले 31 सालों से और 62 सीए एग्जाम अटेम्प्ट से, अनूप को खास तौर से मैं बता दूं ये नया है, मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा सीए के कोर्स को 31 ईयर्स से 1989 से, और 62 सीए एग्जाम अटेम्प्ट से अब तक करीब करीब बेटा 200,000 से ज्यादा बच्चा मेरे से पढ़ के जा चुका है, 200 से ज्यादा ऑल इंडिया रैंक आ चुकी है बेटा मेरी, और इसके साथ साथ 20,000 से ज्यादा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा पढ़ाया हुआ बन के आज इंडिया और अब्रॉड में सर्व कर रहा है, और उसमें से तो कुछ इस समय
मार्केट में पढ़ा भी रहे हैं, तो बेटा मेरी तो एक लेगेसी है अपनी खुद की, लेकिन एक नया टीचर आता है तो कॉपी किताब प्लेटफॉर्म बेटा क्या कर रहा है, उसको दे रहा है एक सुविधा। क्या सुविधा दे रहा है? आइडेंटिटी बनाने की। जैसे मुझसे पहले आज दो लेक्चरर्स ने आपकी क्लासेस लिए होंगे, तो कॉपी किताब उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है टू क्रिएट देम एज ए आइडेंटिटी, उनको जाने लोग सब लोग। तो ये हम क्रिएट करते हैं आइडेंटिटी एज ए सर्विस। मेरे ख्याल से आपको चारों समझ में आ गए होंगे। अदर्स मॉडल में श्रावणी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ओल्ड कोर्स की कम्युनिकेशन की सुविधाएं जियो और एयरटेल देती है, इसके लिए आपको केवल पैसा पे करना पड़ता है मंथली सब्सक्रिप्शन का। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको पोल नहीं खड़े करने पड़ते, लाइन नहीं बिछानी पड़ती, तो आप ले रही हैं कम्युनिकेशन एज ए सर्विस। फिर अगर आपको कोई डेटा उपलब्ध करा रहा है ताकि आपको मार्केट में सर्वे नहीं करना पड़े, आपको डेटा के ऊपर पर्सन को पैसा दे के खर्च करके डेटा इकट्ठा नहीं करना पड़े, आप केवल पर 10,000 स्टूडेंट का डेटा ले लेते हैं उनसे, तो वो दे रहे हैं आपको डेटा एज ए सर्विस। और तीसरा होता है सिक्योरिटी एज ए सर्विस, ताकि हमारी सर्विसेज निर्बाध गति से चलती रहे और बिना किसी दिक्कत के, हमारे यहाँ कोई हैकिंग नहीं हो, डेटा की चोरी नहीं हो, तो हम लेंगे सिक्योरिटी एज ए सर्विस। और चौथा होता है कि आपकी कोई पहचान बनाए, जैसे YouTube बनाता है आपकी पहचान, जैसे कॉपी किताब बना रहा है आपकी पहचान, ऐसे ही हम पहचान बनाने वाले लोगों से अपनी सुविधा लिया करते हैं। तो हम देते हैं बेटा आइडेंटिटी एज ए सर्विस, इसका मतलब आईडास। तो बेटा ये था आज का टॉपिक हमारा, जिसमें हमने पढ़ा कंप्यूटिंग मॉडल्स को। क्या क्या पढ़ लिया बेटा हमने, मैं फिर से बता दूं आपको, हमने पढ़ लिया बेटा, क्या पढ़ लिया हमने, हमने पढ़ लिया क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल को, मतलब हाउ क्लाउड सर्विसेज आर अवेलेबल टू यूजर्स। हमने पढ़ा दिया आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, देन देयर कैरेक्टरिस्टिक, देन प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, देन देयर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, फिर हमने पढ़ा दिया अदर मॉडल में चार प्रकार के और। तो बेटा मेरे ख्याल से आप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, होपफुली ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड। फटाफट से चैट बॉक्स में लिख के बता दें आज का टॉपिक कैसा लगा आपको, आपको समझ में आया या नहीं। हर्षवर्धन कह रहे हैं समझ में आ गया, आज का पूरा टॉपिक याद हो गया हमको, जल्दी से मुझे लिख के बता दें फटाफट से। श्रावणी कह रही है यस सर, आप सभी लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर ले, मैं फटाफट से एक क्विक टूर करवा देता हूँ बेटा आपको हमारे ऐप का। ये देखो गूगल का प्ले स्टोर खोल दिया मैंने आप सबके सामने, आपको बेटा टाइप करना है यहाँ पे बत्रासर, क्या लिखना है बेटा आपको, BATRA बत्रासर, देखो आ गया ऊपर ऊपर बत्रासर को, जैसे ही मैं लिखता हूँ देखो सबसे पहला वाला टॉप का हमारा ऐप है बत्रासर ऐप फॉर CA प्रिपरेशन बाय डीजी बुक टेक्नोलॉजीज डेवलपर। कॉपी किताब ने इसे डेवलप किया है, मेरे मशीन में इंस्टॉल्ड है, इसलिए मैं समय नहीं गंवाऊंगा, सीधा आपको बताता हूँ बत्रासर के ऐप को। ये रहा बत्रासर का ऐप आपके सामने, ये इनिशियल स्क्रीन है, देखिए बेटा इसके फ्री रिसोर्सेज में पहला CA CPT, अब ये फाउंडेशन हो चुका है, हम करेक्ट कर देंगे इसको। उसके बाद बेटा आप सब लोग देखें फ्री रिसोर्सेज में हमने CA फाइनल इसका के नोट्स रख रखे हैं, अमेंडमेंट के नोट्स रख रखे हैं जो नवंबर 20 में आपके आने जा रहे हैं। मैं खोल के बता देता हूं, ये देख लो दिखने में कैसे होते हैं, आप ई बुक के फॉर्म में से रीड कर सकते हैं। देखो पहला पेज दिखाई दे रहा है, दिस इज द सेकंड पेज विद इंडेक्स, थर्ड पेज पे बेटा इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी, फोर्थ पेज फिफ्थ पेज ये सारे अमेंडमेंट के नोट हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा, मैंने इसका एक वीडियो भी डाल रखा है मेरे चैनल के ऊपर, तो आप सब इसको प्राप्त कर सकते हैं कॉपी किताब के ऐप से, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, यू कैन परचेज फ्रॉम दिस साइट। तो ये था हमारा फ्री रिसोर्स। अगर आप ओल्ड कोर्स के हैं बेटा आपको, तो हिंदी में भी नोट्स अवेलेबल हैं ITSM के, देखें बेटा ITSM के हिंदी के नोट्स आपके लिए, ये रहे आपके सामने समरी नोट, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड सो ऑन, सारे चैप्टर के नोट्स पड़े हैं, यहाँ से आप इनको परचेज कर सकते हैं, बहुत ही थ्रो वे प्राइस पे अवेलेबल हैं। और इसके साथ साथ ITSM के इंग्लिश के भी नोट्स अवेलेबल है जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं बेटा, ये आपके लिए अवेलेबल है ITSM के समरी नोट्स इंग्लिश में ओल्ड कोर्स के बच्चों के लिए। देखो ये है चैप्टर नंबर 1 बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट एंड IT, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, फिफ्थ पेज, सिक्स पेज, सेवंथ पेज, एट पेज और आठ पेज में आपका पूरा चैप्टर समराइज हो गया। जबकि इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठाओ 40-45 पेजेस में है बेटा ये, तो आपको यहाँ आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद मैं बताऊँ बेटा आपको जाना पड़ेगा नीचे, देखें आप दिख रहा होगा आपको ई बुक, स्टडी पैकेजेस, टेस्ट प्रिपरेशन, वीडियोज एंड स्टोर, आपको बेटा जाना होगा स्टोर्स में, या तो यहाँ स्टोर से चले जाएं या बेटा आप चले जाएं अदर से, दोनों में से किसी तरीके से चले जाएं। मैं अदर से चला जाता हूँ, अदर्स में आपको दूसरी बुक दिख रही होंगी, लेकिन उसके साथ साथ आगे स्टोर का ऑप्शन भी आ रहा है, तो आप क्लिक करें स्टोर के ऊपर, यहाँ आपको मिलेंगी अमेजिंग डील, आपको क्लिक करना है एक्सप्लोर ऑप्शन पे, एक्सप्लोर ऑप्शन पे जैसे ही बेटा आप क्लिक करेंगे आपके सामने खुल जाएगा फिर से एक
खुल जा सिम सिम सीए फाउंडेशन एंड अदर्स, आपको जाना है बेटा अदर्स में क्योंकि हम पढ़ाते हैं आपको सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट में नीचे की तरफ आ जाए, आपको दिख रहा होगा चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स सीए इंटरमीडिएट बत्रा सर सबसे लास्ट में। मैं बत्रा सर पे क्लिक करता हूँ बेटा, बत्रा सर पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ बत्रा सर की सारी चीजें ये रही आपके सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं बेटा, आपको ऑल दिखाई दे रहा है सबसे टॉप पे, उसके बाद ई बुक दिखाई दे रही है, वीडियोस दिखाई दे रहे हैं, टेस्ट प्रिपरेशन दिखाई दे रहे हैं, ऑल में सब चीजें जम्बल्ड हैं। मैं एक एक करके बताता चलता हूं आपको, हमारी अगर ई बुक्स देखनी है और परचेज करनी है तो सबको मिलेंगी यहाँ पे। देखो आप ITSM की समरी बुक मिल रही है बेटा आपको डिस्काउंट पर, 29% डिस्काउंट ऑफ चल रहा है 141 रुपीज पे केवल। बताओ कोई बुक देता है कि 141 रुपए में पूरी प्रिंटेड बुक आपको मिल रही है, मतलब डिजिटल बुक मिल रही है ना, प्रिंट आप कर सकते हैं अपने कॉस्ट पे। ओल्ड कोर्स की बुक मिल रही है बेटा हिंदी में इंग्लिश में 141 रुपीज पे, इसका की फाइनल की मिल रही है बेटा 141 में है ना। फिर आपको अमेंडमेंट नोट मिल रहा है बेटा 70 रुपीज ओनली पे। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पूरा ओल्ड कोर्स का मॉड्यूल मिल रहा है बेटा 141 पे ई बुक के फॉर्म में। फिर आपको हिंदी में मिल रहा है ओल्ड कोर्स का बेटा 141 में, नहीं 141 में एग्जैक्टली। फिर इसका एक क्वेश्चन बैंक जिसमें से हर बार बेटा सवाल उठते हैं, अगर आप ओल्ड कोर्स के बच्चे हैं तो ये बुक जरूर आपके पास होनी चाहिए। हमारा बहुत सारा एक्सपीरियंस इस किताब को बनाने में बेटा। ये आपको मिल रही है 29% ऑफ पे, ये 599 की ओरिजिनल प्राइस पे, लेकिन हम आपको दे रहे हैं कॉपी किताब पे बेटा इस समय 426 रुपीज पे। इसमें से करीब करीब 90% सवाल आ जाते हैं बेटा, इसमें जितने सवाल इंस्टीट्यूट पूछ सकती है हमने उसको इकट्ठा कर रखा है इसमें। फिर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आपको मिल जाता है बेटा ओल्ड कोर्स का 213 रुपीज पे। उसके बाद आपको मिल जाती है चार्ट बुक बेटा न्यू कोर्स की 141 पे, फ्लो चार्ट का मिल जाता है। इस तरीके से बेटा आपको सारी चीजें दिखाई दे रही है, सारी बुक्स हैं आपके पास में ओल्ड और न्यू सिलेबस की। अगर आप जाएंगे हमारे वीडियोस में तो ओल्ड और न्यू कोर्स के सैकड़ों वीडियोस पड़े हैं इसमें। आप सबसे पहले देख रहे होंगे आपका ऑडिट का एक पेपर होता है ओल्ड कोर्स का पेपर नंबर 6, उसका एक टॉपिक होता है ईडीपी ऑडिट, 6 से 8 नंबर का एक सवाल आता है। आप हमारा ये वीडियो परचेज कर सकते हैं उसको समझने के लिए। ये वीडियो केवल आपको मिल रहा है 71 रुपीज एंड 25 पैसा पे। बताओ ऐसा कोई ऑफर देता है क्या? आप एक लेक्चर भी खरीद सकते हैं, लेक्चर्स के कॉम्बिनेशन से चैप्टर भी खरीद सकते हैं, और ऐसे चैप्टर से आप पूरा कोर्स भी ले सकते हैं। सब मिल रहा है आपको कॉपी किताब पे बहुत ही थ्रो अवे प्राइस पे। चैप्टर 1 का देखो आपको 71 रुपीज पे सारे लेक्चर आपको अवेलेबल है बेटा, आप गो थ्रू कर सकते हैं इसको। केवल ओल्ड कोर्स के लिए नहीं है, इस पे न्यू कोर्स के भी मिल रहे हैं ऑलमोस्ट इसी प्राइस पे। ये देखो सारे ओल्ड कोर्स के बता रहा हूं मैं आपको, इसके नीचे सारे न्यू कोर्स के भी आपको मिल जाएंगे। सैकड़ों लेक्चर्स अवेलेबल है बेटा इसमें, अलग अलग टॉपिक पे आप एक इंडिविजुअल टॉपिक पे भी ले सकते हैं इसको। तो एक एक टॉपिक के ऊपर ये लेक्चर बने हुए हैं, और आपको पूरा चैप्टर लेना है तो बहुत सारे टॉपिक को इकट्ठा करके ले सकते हैं। ईच टॉपिक इज ऑफ 71 रुपीज ओनली, तो बहुत ही कम कॉस्ट पे। ये देखो भाई आ गए ESSM के लेक्चर आपके सामने न्यू कोर्स के, देख रहे हैं बेटा आप। मई जून का लिख रखा है लेकिन मई जून का तो अटेम्प्ट हुआ ही नहीं, तो अब नवंबर के लिए है बेटा ये कोर्स। तो नवंबर में आपको मिल जाएगा ये सारा। फ्लो चार्ट के लेक्चर्स अवेलेबल है बेटा, देखो आप वर्चुअलाइजेशन का लेक्चर अवेलेबल है। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग जो मैंने पढ़ाया इसका डिटेल लेक्चर अवेलेबल है, आप देख रहे हैं ये डिटेल लेक्चर आपके पास अवेलेबल है जिसको आप परचेज कर सकते हैं बेटा। क्लाउड कंप्यूटिंग का पूरा लेक्चर मई और नवंबर के लिए, मई का तो एग्जाम हुआ ही नहीं, 29% ऑफ है। ये सभी डिवाइसेस पे कंपेटेबल है। अब तक 219 लोग इस प्रोडक्ट को देख के खरीद चुके हैं बेटा। प्राइस इसका 78 रुपीज, और बहुत जल्दी ये प्राइसेस जो है मिल रहे हैं आपको। ये डिस्काउंट हो सकता है बंद कर दिया जाए, हो सकता है आपको ओरिजिनल प्राइस पे ही इसे लेना पड़े। तो इस तरीके से वीडियोज आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ बेटा अगर आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज से अपनी प्रिपरेशन कर रही है तो हम आपको दे रहे हैं बेटा टेस्ट प्रिपरेशन, देखो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का ओल्ड और न्यू कोर्स का, और इसके साथ साथ बेटा हम आपको दे रहे हैं ITSM के भी टेस्ट सीरीज। कितने पे? केवल 46 रुपए में। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मिल रहा है आपको 34% डिस्काउंट पे। आप एक सेफ कोड अप्लाई कर सकते हैं और खरीद सकते हैं बेटा इसको आप। बहुत सारे ऐसे टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन अवेलेबल है, देखो टेस्ट सीरीज 15, 14, 13, 20, 11 एंड सो ऑन, बहुत सारे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बेटा आपको। उसके बाद आप देखें टेस्ट सीरीज SM के बाद आ जाती है आपके पास टेस्ट सीरीज ओल्ड कोर्स की 1 से लेके 14 तक, तो न्यू और ओल्ड कोर्स दोनों की है। फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टेस्ट सीरीज है IT 1, 2, 3, 4। उसके बाद आप देखो ESSM की भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है हमारे पास में। तो बेटा हमारे पास में ESSM का पूरा कोर्स अवेलेबल है। अनूप आप पूछ रहे थे, पूरा कोर्स अवेलेबल है बेटा ऑलरेडी, आप इसे परचेज कर सकते हैं। जाके किस पे जा सकते हैं आप? हमारे बत्रा सर ऐप पे, जिसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा, आपको डाउनलोड करना होगा बेटा इसको, ठीक है? तो आपको बेटा इसको समझना होगा बैठ के, और आपको पढ़ना होगा। होपफुली आज आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी।
तो बेटा मैं आज की इस क्लास को यहीं खत्म करता हूं। अगले हफ्ते हम कंटिन्यूस रखेंगे। आपकी तरफ से डिमांड आई है कि हमें आपको फ्लो चार्ट पढ़ाना है। मैं कोशिश कर रहा हूं, जरा मुझे चैट बॉक्स में सब लोग लिख के बताएं जल्दी से, क्या हम ये क्लासेस कंटिन्यूस 2 दिन रख लें क्या? हफ्ते में 2 अलग-अलग दिन रखने के बजाय क्या हम ये क्लासेस, चैट बॉक्स में मुझे जल्दी से लिख के बताएं, क्या हम कंटिन्यूस 2 दिन रख लें क्या? मैं सोच रहा हूं इस बार हम क्लासेस रख लें फ्राइडे और सैटरडे को। जल्दी से मुझे बताएं सभी लोग, क्या मैं अपनी क्लासेस फ्राइडे और सैटरडे को 2 दिन लगातार प्लान कर लूं क्या फ्लो चार्ट के लिए? जल्दी से मुझे बताएं सभी लोग, जल्दी से बताएं मुझे सभी लोग, क्या मैं इस क्लास को रख लूं क्या फ्राइडे और सैटरडे के दिन 2 दिन लगातार? श्रावणी कह रही है एज यू विश, ये प्रवीण कह रहेगा चलेगा। तो ठीक है बेटा, हम प्लान करते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। साइनिंग ऑफ फॉर टुडे, गुड बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों। स्टे होम, स्टे हार्ड, स्टडी करें घर पे बैठकर, अपना ध्यान रखें, माता पिता का ध्यान रखें और अपने आसपास कोरोना को होने नहीं दें। मिलते हैं अगले वीक फिर से फ्लो चार्ट की क्लासेस पे। हम फ्राइडे सैटरडे मिलने जा रहे हैं। फ्लो चार्ट बहुत जल्दी थंबनेल बन के हमारे पास आ जाएगा। आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच बेटा।